दिखने में सावला हूँ, इसलिए दो दिन ट्यूशन पढ़ाने के बाद छात्रा की माँ ने मुझे एक पैसे का लिफाफा दिया और कहा, कल से मेरी बेटी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं हैरान रह गया और छात्रा की माँ से कहा, आंटी अगर आप कुछ माइंड ना करें तो मैं जान सकता हूँ कि मेरा गुनाह क्या है। आंटी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा कोई जुर्म नहीं है। आंटी क्या मैं आपकी बेटी को एक महीने तक पढ़ा सकता हूँ? इस बार छात्रा की माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, वास्तव में मेरी बेटी आपके साथ पढ़ना नहीं चाहती। सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होने से नहीं होगा, बल्कि देखने सुनने में भी अच्छा होना चाहिए। आपको देखकर मेरी बेटी डर जाती है। ये सुनकर मैंने आंटी के हाथ में लिफाफा रख दिया और कहा कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए अच्छी तरह देखना होगा। मुझे पहले पता नहीं था। यकीन मानिए, अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी बेटी को पढ़ाने नहीं आता। मैं छात्रा के घर से बाहर निकलते हुए अपने बारे में सोच रहा था। मैंने अपने जीवन में त्वचा के रंग के बारे में बहुत सी बातें सुनी है। कॉलेज में सभी मुझे कौवा कहकर बुलाते थे। इसके अलावा सड़कों पर कई लोग काले लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे वो भयानक अपराधी हों। भले ही सब मुझे काला कहते रहे, लेकिन मेरे माता पिता की दुआएं हमेशा मेरे साथ थी और शायद इसलिए मुझे अच्छी नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद सभी शादी के लिए जबरदस्ती करने लगे। मैं राजी हुआ, लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि अगर मुझे शादी करनी है तो मैं एक काली लड़की के साथ करूंगा। मैं आज लड़की को देखने आया था। ड्राइंग रूम में बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद लड़की आई। लड़की को देखकर मैं कुछ मिनटों के लिए चौंक गया। कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? लड़की को देखकर मैंने चुपके से अपनी माँ से कहा, माँ तुमने कहा था ना कि लड़की काली है। मैं देख रहा हूँ ये लड़की बहुत सुंदर है। मैंने तुमसे पहले कहा था मैं अपनी ही तरह की लड़की से शादी करूंगा। माँ ने बात सुनकर बोला, अरे लड़की खूबसूरत नहीं होती, मेकअप से बहुत खूबसूरत लगती है। मैंने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और कहा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? लड़की शायद चाहती है कि उसका पति भी बहुत सुंदर हो। अगर मेरे साथ शादी हुई तो देखोगे कि लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, साथ चलने में भी शर्माएगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रो पड़ी और कहा, तुम सांवले हुए तो क्या हुआ, क्या तुम एक खूबसूरत लड़की से शादी नहीं कर सकते? मैंने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, मैं नहीं कर सकता। एक खूबसूरत लड़की भी कभी भी काले लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी। अगर आप कभी शादी के लिए राजी होती हैं, तो आपको इस बात पर विचार करना होगा कि क्या लड़की अपने माता पिता के दबाव में शादी करने के लिए राजी हुई है, क्योंकि काले लड़के का करियर बहुत अच्छा नहीं है। अगले दिन दोपहर में मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन रिसीव करने पर दूसरी तरफ से एक लड़की बोली, मैं वो लड़की हूँ जिसे तुम कल देखने गए थे। मैं हैरान रह गया। उसने कहा, प्लीज थोड़ा आ जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं और वो लड़की एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। कॉफी की चुस्की लेते हुए लड़की ने कहा, जब तुम अपनी माँ से बात कर रहे थे मैंने सब कुछ सुना। अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद मुझे कभी इस पर विश्वास नहीं होता कि मैं एक मिनट की बातों से किसी के प्यार में पड़ सकती हूँ। मैंने सर झुकाकर कहा, क्या तुम मुझ पर उपकार कर रही हो? इस बार लड़की ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, मुझे मौका तो दो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि लड़कियों के बारे में तुम्हारी सोच बदल जाएगी। लगभग एक साल बाद मैं डॉक्टर के रूम के सामने बैठा था। उस समय मैंने छात्रा और उनकी माँ को डॉक्टर के रूम से बाहर आते देखा। मैंने आंटी को अभिवादन किया और कहा, क्या आप मुझे पहचान पा रही हैं? मैं आपकी बेटी को दो दिन ट्यूशन पढ़ाकर आया था, लेकिन आपने मुझे तीसरे दिन से पढ़ाने के लिए मना कर दिया क्योंकि मैं काला हूँ। आंटी ने कहा, हाँ जानती हूँ। उस समय मेरी पत्नी कमरे से बाहर आई और बोली, सॉरी मरीज आज बहुत तनाव में था इसलिए देर हो गई। मैंने आंटी से कहा, आंटी मेरी ये पत्नी है। और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ये प्रियंका है, एक समय पहले मेरी छात्रा थी। मेरी पत्नी थोड़ी हंसी और बोली, हाँ मुझे पता है, उसका नाम प्रियंका है, मैं ही उसका इलाज कर रही हूँ। आंटी और प्रिया ने मुझे आश्चर्य से देखा और रास्ते में मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि प्रियंका को क्या हुआ है। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उसके ट्यूटर के साथ शारीरिक संबंध थे, बाद में वो गर्भवती हो गई। ऐसा लगता है जैसे किसी क्लिनिक में उसका गर्भपात हुआ था, लेकिन अब शादी के बाद उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, हमेशा की तरह मैं बस थोड़ा सा मुस्कुराया और मन ही मन कहा, ऊपर कोई तो होगा और वो सब कुछ देख रहा है, वो अच्छे और बुरे हर चीज का न्याय करता है।
कोई भी अपनी त्वचा के रंग या शारीरिक बनावट के नियंत्रण में नहीं होता है। भगवान ने स्वयं प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग तरीके से बनाया है, तो किसी की शारीरिक बनावट या त्वचा के रंग के लिए उसके उपहास करना भगवान का उपहास करना है।